सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। यार ये जो वीडियो है ना, ये मेरी प्रीवियस वीडियो का पार्ट है। वहां पे मैंने ये डिस्कस किया था कि जो IRCC है वो अब डायरेक्ट कॉलेज से लिंक होने वाला है, जहां पे वो स्टूडेंट का स्टेटस पता कर सकता है। मतलब आप यहाँ पे जब आओगे तो अपना कॉलेज और अपना कोर्स चेंज नहीं कर पाओगे, प्रोविंस चेंज नहीं कर पाओगे। तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन थी कि क्या ये रूल इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। तो यार ये रूल अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, बट आने वाले दिनों में हो सकता है। तो इस वीडियो को समझने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ इस वीडियो में, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो लेट से आप यहाँ पे आते हो, ठीक है, आप अपना कोर्स चेंज कर लेते हो, आपने प्लान कर लिया कि मैंने कोर्स चेंज करना, प्रोविंस चेंज करना और कॉलेज चेंज करना है। तो आपको यहाँ पे वापस $150 देने पड़ेंगे। और लेट से आप सब कुछ कर लेते हो, अपने प्लान कर लिया, आपने अपनी फाइल डाल दी यहाँ पे चेंज करने के लिए, और यहाँ पे ये बोलते हैं कि आप अप्लाइड स्टेटस पे अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर दी नए कॉलेज में, ठीक है, आपने वहाँ पे फीस पे कर दी, आपके सब्जेक्ट्स आपने ले लिए, आपने सब कुछ कर दिया, और बाय चांस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। ये थी पहली सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि जब आप यहाँ पे आओगे, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आप 2-3 महीने पहले आओगे, है ना, आप यहाँ पे हार्डली जब आओगे तो आपके पास 15-20 दिन होंगे, मैक्स टू मैक्स 1 महीना होगा। उस पूरी टाइम पीरियड में आपको एक नया कोर्स लेना, नया प्रोविंस सिलेक्ट करना, नई सिटी में जाना, कॉलेज चेंज करना और वीज़ा फाइल फिर से डालना और उसका वेट करना। मतलब ये सब चीज़ें आप सोच रहे हो कि 30 दिन में अगर आ जाएंगी तो गलत है, ऐसा नहीं होने वाला, बहुत डिफिकल्ट है। तो यार ये था सिनेरियो कि भाई ऐसे सिचुएशन में मत पड़ना जहाँ पे आपको ही प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ पे आने के बाद ऐसा ना हो कि आपकी जो आगे का प्रोसेस है ना वो इतना डिफिकल्ट कर लो आप कि आपको आते ही धक्के खाने पड़ जाएं। ये सब चीज़ें थी जो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने मेंशन की थी, आपने मुझे मैसेजेस भेजे थे कि भाई अभी को इम्प्लीमेंट हुआ है, अगर हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको प्लान करके आना है। यहाँ पे आके कुछ मत छोड़ना कि भाई यहाँ पे आके हम कॉलेज चेंज कर लेंगे, प्रोविंस चेंज कर लेंगे। क्या पता कि जो बच्चों ने अभी फाइल डाली है, जब तक उनका वीज़ा आए तब तक ये इम्प्लीमेंट हो गया हो, है ना। तो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में मत डालो। अगर आप फाइल डाल रहे हो तो प्लान करके डालो, किसी गलतफहमी में मत रहना कि हम वहाँ पे जाके कोर्स चेंज कर लेंगे। अभी सिचुएशन चेंज हो चुकी है कनाडा की, कनाडा पहले जैसा नहीं रहा भाई, काफ़ी डिफिकल्टी आ रही है बच्चों को यहाँ पे, जॉब के रिलेटेड ही नहीं, रूल्स के रिलेटेड भी, PR के रिलेटेड, ठीक है, वर्क परमिट के रिलेटेड, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपने आप को ना, मतलब IRCC को ना आपने कोई भी मौका नहीं देना कि आपके प्रोफाइल में ना वो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी गलतियां जो हैं उसके चक्कर में आपका स्टेटस यहाँ पे के ख़राब हो जाए। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दूं। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो यहाँ पे आके प्लान कर रहे हैं कि अपना कोर्स चेंज करें, अपना कॉलेज चेंज कर लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर प्रोसेसेस। बाय।